न भूतो न भविष्यति, जो ना पहले कभी हुआ न भविष्य में कभी होगा। हाँ दोस्तों, ये सुनने में आया एक ग्रैंड वेडिंग के लिए, पर क्यों, ऐसा क्या था इस वेडिंग में? चलिए आज हम जानेंगे ऐसी शादी के बारे में जिसने ना सिर्फ इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट किया। और अब बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शादी। शादी का फंक्शन है मुकेश अंबानी के परिवार, जिनकी शादियों में बड़े बड़े सितारे खाना परोसते हैं। शादी चकाचौंध देखकर सब यही पूछ रहे हैं कि शादी में मुकेश अंबानी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। आप इधर आए, आपने हमारा दिल बहुत बहुत खुश किया। ये एक ऐसी वेडिंग है जिसने भारत की पूरी पहचान ही बदल के रख दी। जी हाँ, आज हम जानेंगे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ग्रैंड वेडिंग के बारे में। चलिए जानते हैं अंबानी फैमिली ने ऐसा क्या किया जिसके बाद हमारी लोकल इकोनॉमी से लेकर दूर दूर तक बस भारत 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 का ही नाम था। टूरिज्म, ये एक ऐसी वेडिंग थी जिसमें रोजाना 7,000 से 8,000 लोग आ रहे थे और रिसेप्शन पर 14,000 हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। इतने लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है होटल्स तो बुक करेंगे ही। इसी वजह से जामनगर राजकोट के इलाकों के 200 से 300 होटल्स 3 महीने के लिए बुक्ड थे। इतने ज्यादा लोग होने की वजह से कुछ टाइम के लिए ये जगह कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर में बदल गई। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इतनी ज्यादा ग्रैंड शादी थी कि इस दौरान होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग हाउसेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक गेस्ट से पता चलता है कि वहाँ 5 से 6 टॉप क्वालिटी के रेस्टोरेंट्स, केटरिंग सर्विसेज ने अपना बफे लगाया था। सिर्फ यही नहीं, ट्रैवल एजेंट्स, फूल बेचने वाले, डेकोरेशन का काम देखने वाले, सभी लोगों की मानो चांदी हो गई थी। लोकल बिजनेसेस, ये एक ऐसी शादी थी जिसने लोकल मार्केट में नई जान डाल दी थी। लोकल वेंडर्स, आर्टिसंस, बिजनेसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था इस इवेंट में, जिससे उन सभी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। इस शादी में पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, जिनका जो वोकल फॉर लोकल मिशन था उसका इस शादी ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया, कैसे बड़े बड़े इवेंट्स हमारी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। शादी में हर जगह लोकल टैलेंट और सामान को इंक्लूड किया गया, चाहे वो डेकोरेशन हो, केटरिंग हो या ट्रेडिशनल आउटफिट्स हो, इन सब ने भारत की संस्कृति और स्किल्स को अच्छे से पेश किया और हमें ये भी बताया कि हमें अपने लोकल बिजनेसेस पर कितना ज्यादा प्राउड होना चाहिए। ग्लोबल इम्पैक्ट, अब जानते हैं इस शादी से पूरी दुनिया पर हमारा क्या प्रभाव पड़ा। इस शादी में हर बड़ी हस्ती, इंडियन और इंटरनेशनल सब मौजूद थे। कुछ ने कॉन्सर्ट्स किए तो कुछ ने शादी को बहुत एंजॉय किया। टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ऐसे बड़े लोग जब इंडिया आके शादी अटेंड करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का ध्यान अपने आप इंडिया, भारत पे चला जाता है। इसी तरह इस शादी ने भारत की ग्लोबल रेपुटेशन को काफी सुधारा है और बेहतर किया है। हम सभी जानते हैं इस इवेंट के दौरान कई बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल आइकन्स आए थे, जैसे जस्टिन बीबर, रिहाना, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से धमाल मचाया। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि केवल अंबानीज ही हैं जो एक स्टेज पे इतने सारे स्टार्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टार्स ने अपने फैंस के साथ इंडियन कल्चर को शेयर किया, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट था भारत के लिए। लोगों ने उन सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को सोशल मीडिया पे शेयर किया। इस तरह ये शादी पूरी दुनिया में एक सेलिब्रेशन और अटेंशन का केंद्र बनी। शोकेसिंग सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक कंट्री अपने कल्चर, वैल्यूज और पॉलिसीज के जरिए दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती है। इसका उद्देश्य होता है कि अपने कल्चर को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना कि दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएं। अब जानते हैं अंबानीज ने सॉफ्ट पावर का यूज कैसे किया। ये एक ग्लैमरस और लग्जूरियस शादी थी और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि पूरी दुनिया की अटेंशन इंडिया पे आ जाती है और इंडिया का टूरिज्म बूस्ट होता है।
फॉर एग्जाम्पल इंडियन फैशन डिजाइनर्स के बनाए हुए आउटफिट्स, हमारे ट्रेडिशनल फूड और सेरेमनीज, सबको बाहर बहुत अप्रिशिएट किया गया। इन सभी चीज़ों ने भारत को एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में बहुत हेल्प करी। इन इवेंट्स की वजह से बाहर की कंट्रीज को पता चलता है कि इंडिया सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर ही नहीं, कल्चरल पावर हाउस भी है। चलिए बात करते हैं कि कैसे इस इवेंट ने इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट किया, जिसमें सबसे पहले आता है डेकोर। ये वेडिंग मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई थी। ये एक बहुत बड़ा वेन्यू है। इस जगह को इंडियन कल्चर के डेकोर के अकॉर्डिंग सजाया गया था। यहाँ गणपति जी की मूर्ति को सेंटर पीस के रूप में रखा गया था, जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशनल बिलीव्स को दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं रिचुअल्स की। हम सभी जानते हैं कि इंडियन मैरिजेस में कौन से रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। अंबानी फैमिली ने इस इवेंट से सबको बताया कि वो आज भी अपने रूट्स को भूले नहीं हैं, वो आज भी अपने ट्रेडिशंस और कल्चर से जुड़े हुए हैं। शादी के दौरान हर रस्म रिवाज पूरी की गई, जैसे गणेश जी की पूजा की गई शुरुआत में, मेहंदी में सभी फीमेल्स के हाथों में मेहंदी लगाई गई। इसके अलावा संगीत, हल्दी और सभी वेडिंग सेरेमनीज में भी इंडियन स्टाइल को ही फॉलो किया गया। शादी के मेन्यू में चाइनीज, इटालियंस के साथ साथ इंडिया की भी बहुत सारी रीजनल डिशेस शामिल थी, जैसे ढोकला, बिरयानी, कबाब। और यही नहीं, इंडियन कल्चर के फेमस फूड रिप्रेजेंटेटिव शेफ विशाल खन्ना और संजीव कपूर ने मेन्यू बनाया था। तो दोस्तों, ये था हमारा पर्सपेक्टिव कि कैसे इस इवेंट ने इंडिया को एक नई तस्वीर और एक नई ग्लोबल रेपुटेशन दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो का फेवरेट पार्ट आपको क्या लगा, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।